हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सलवार की कटिंग करने जा रही हूँ। तो सलवार की लंबाई 38 है, बेल्ट 20 है, मोहरी 7 है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले बेल्ट निकालनी है। तो ये देखिए, अब इसमें इसको मोड़ेंगे, इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हमने 8 इंच की निकाली है, 6 इंच तैयार रखनी है। इस तरीके से मैंने बेल्ट को अलग कर लिया है और इस कपड़े को डबल इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले कुंदा निकालेंगे हम फ्रेंड्स। तो ये देखिए, 5 इंच का कुंदा निकाल रही हूँ। इस तरीके से बेल्ट के लिए ऊपर निकाल दिया है इंची टेप। यहाँ पर 40 इंच पर मार्क करूँगी। 2 इंच उसके मोहरी के लिए ले लिया है। इधर भी हमें इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स इस तरीके से। ये देखिए, अब इन दोनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, आसन का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तब इसको हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी फुल कटिंग व स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।